नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। एसिडिटी या अम्लता वह रोग है जिसमें खून में एसिड या अम्ल का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इस रोग में छाती के बीच में और पेट के ऊपरी हिस्से में जलन का अनुभव होता है। रोग अधिक बढ़ जाने पर गले में और मुंह में भी जलन और दर्द का अनुभव होता है। खट्टी और तली हुई चीजें बहुत अधिक मात्रा में खाना, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन, आवश्यकता से अधिक भोजन करना, स्मोकिंग, दवाओं के दुष्प्रभाव आदि एसिडिटी के मुख्य कारण हैं। तो आइए आज हम एसिडिटी के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार देखते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लीजिए। इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे रोजाना सुबह शाम खाना खाने के बाद सामान्य तापमान के पानी के साथ लेना चाहिए। इसे 15 से लेकर 30 दिनों तक किया जा सकता है। इससे एसिडिटी का रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। 200 मिलीलीटर पानी में 7 बीज निकाली हुई मुनक्का और 2 चम्मच सौंफ रात भर भिगो कर रख दीजिए। सुबह इनको इसी पानी के साथ मिक्सी में पीस लीजिए। इसमें और पानी मिलाकर लगभग 1 ग्लास यानी लगभग 250 मिलीलीटर पानी बना लीजिए। फिर इस पानी को छान लीजिए। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए। इससे बहुत ही जल्दी एसिडिटी का रोग समाप्त हो जाता है। अंगूर और अनार एसिडिटी को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। 100 मिलीलीटर अंगूर के रस में 100 मिलीलीटर अनार का रस अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे रोजाना दिन में किसी भी समय एक बार पीना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में एसिडिटी का रोग ठीक हो जाता है। आप ये सभी घरेलू उपचार हिंदी में हमारी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सरल घरेलू उपचार देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।